हाय गाइस, इस बार मेरा वीडियो कोई ब्लॉगिंग के लिए नहीं है और ना ही मैं किसी मतलब घूमने गया हूँ कहीं पे। इस बार मैं अपने अपने खुद के जॉब के लिए आया हूँ। जिस एकेडमी पे मैं आया हूँ उसका नाम है QACS, और जैसे कि आप पीछे देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया एक्सेलेंस सेंटर एकेडमिक एरिया। ये आपको नोएडा सेक्टर 134 में है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर आपको 100% गारंटी के साथ आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ ये इंस्टीट्यूट बस 15 दिन की ट्रेनिंग करवाती है और खाना रहना सब फ्री है। यहाँ पे खाना भी तो हॉस्टल टाइप मिल जाएगा, ठीक ठाक ही है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं ये एक सप्ताह रहने के बाद आपको रिव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको यहाँ आना है तो मैं यहाँ के किसी भी सर का एक नंबर दे दूँगा, अंकुश सर है यहाँ पे जो HR है, आप उनसे बात करके आ जाना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ एड्रेस का, आप डायरेक्ट मैप पर सर्च करोगे तो दिल्ली से आ सकते हो आराम से। अब मैं आपको यहाँ का कुछ रूम वगैरह दिखाता हूँ, कैसा रूम है, कैसा खाना पीना है और कैसे यहाँ पर ट्रेनिंग होता है, वो सब मैं दिखाता हूँ आपको। हेलो भाई, QACS का ये एकेडमी जहाँ पे क्लास का चलता है, सर आते हैं और डिजिटल बोर्ड पढ़ाते हैं, टीचर दिखाते हैं और थ्योरी भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, साथ साथ और प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। सब अच्छे से एक्सपीरियंस वो टीचर के काम करते हैं और खाना हर चीज़ का फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। आप 15 दिन तक आराम से यहाँ रहिए और यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए और प्लेसमेंट भी 100% गारंटी यहाँ से। अब मैं यहाँ का आपको ऊपर का लोकेशन व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे आसपास क्या है। ये और ये जो मेरा फ्रेंड था, ये अभी रिव्यू देके गया है, ये भी मेरे साथ ही क्लासमेट रह चुका है। तो ये है नज़ारा, ये सामने की ओर से आप आ सकते हैं, ये मेन गेट है आने का। हम लोग QACS में ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। हाँ। तो इधर पे थोड़ा दिक्कत तो होगा ही सब। अच्छा। कि घर छोड़ के आ रहा है, थोड़ा हाँ। दिक्कत तो होगा ही, और इधर पे आने के बाद अगर कोई सोचता है कि इधर से ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग घर जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आपको एग्जाम देने के बाद ही सीधा साइड में जाना पड़ेगा। इधर पे खाना भी आपके मनपसंद नहीं मिलेंगे,
आपको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, और इधर पे सब दोस्त लोग हैं, टाइम पास अच्छे से हो जाता है, ठीक है। आपका पारिवारिक माहौल बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप परिवार से आए हो हाँ आपको वैसा फैसिलिटी मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता भाई, जिधर भी जाओ ऐसा ही मिलेगा। तो इस तरह पारिवारिक माहौल बनाना पड़ता है, तो ऐसे ही हमारा दिन चलता है। कल हमारा सुना हूँ कि कल एग्ज़ाम होगा, फिर अपने आप किस साइड में चले जाएंगे सब लोग, मिट्टी चढ़ती है और दो पिलर ऐसे ही बीच में डालो चुनी में पढ़ाई के साथ मस्ती भी काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है। एक छोटा सा नमूना आपको मैं दिखाता हूँ अभी, चलता हूँ ट्रेनिंग सेंटर में क्या हो रहा है।